करी करी वाटायचं मला. कभी कभी मुझे लगता था कि अब बहुत हो गया है, कब तक ऐसे चलेगा, पर बच्चों का क्या होगा, उनके साथ तो खड़ा रहना ही पड़ेगा. मैं आगे बढ़ती गई, मैं रुकी ही नहीं. आई मोल मजदूरी करायची. मेरी माँ मजदूरी करती थी. मजदूरी करके उसने हम बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया. मेरे बड़े भाई की 12वीं हो गई, उसके बाद माँ गुजर गई. फिर बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं था. तब मैं मेरे भाइयों का क्या होगा ये सोचकर बीमार हो गई. उनको देखने वाला कोई नहीं था घर में. मेरे शादी के बाद हम घर में 40-50 लोग थे. हम लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे. हमारी खुद की सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन थी. फिर हमने अलग परिवार बना लिया. हमारे हिस्से में ये जमीन आई. ये सिर्फ एक बंजर मैदान था. उस मैदान की हमने सफाई की. यहाँ पत्थर थे, नागफनी जैसे पौधे थे, उस सबको हटा दिया. उस समय हम गांव में आना जाना करते थे. हमारा घर भी छोटा सा था, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी. छोटा सा ही कमरा था हमारे पास. फिर मैंने सोचा कि खेत में छोटा सा ही सही, पर एक लोहे का छत डालकर घर बनाते हैं. तो हमने खेत में ये घर खड़ा कर दिया. सब मुझ पर हंसा करते थे. औरतें भी हंसती थी कि मैं धूप में काम करती हूँ. एक बच्चा है फिर भी धूप में काम कर रही है, क्या जरूरत है इतना धूप में काम करने की. पर मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे ये काम करना पसंद है और मैं करूंगी. मेरी बेटी शादी की उम्र की थी. बेटियों की शादी मैंने अपने बलबूते पर करवाई. मेरे पति की आमदनी कम थी, हमारे लिए वो काफी नहीं था. जो भी पैसे आते थे वो घर के राशन में चले जाते थे. खेती से भी मिलने वाले पैसे काफी नहीं थे, कुछ भी पैसे नहीं बचते थे. खेती का सब काम भी खुद ही करते थे. जब मेरा लड़का स्कूल से आता था तब वो हमें मदद करता था. मेरे पति जब नौकरी से आते थे तब वो हमें मदद करते थे. हम सब ने खेत में बहुत काम किया. पहले हमारी जमीन बंजर थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था. पानी ही नहीं था हमारे पास, कुआ भी हमारा अकेले का नहीं था. तो हमें हर 15 दिन में पानी देने की बारी आती थी. पर हमें तो अंगूर उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत थी, तो हमने भी खुद का कुआ बना दिया. उसके बाद हमने अंगूर लगाए, सब अच्छे से किया. खेत में मिट्टी भी डाली. मेरे भाई ने हमें मार्गदर्शन किया कि तुम अंगूर की खेती करो. फिर हमने अंगूर लगाए, खेतों में जो पत्थर थे तोड़ दिए, सारी जमीन समान कर दी. यहाँ पर एक गड्ढा था, वो भी पत्थर तोड़कर भर दिया. बिजली नहीं थी, अंगूर के पौधों पर मशीन से दवाई छिड़कनी थी. हमने फिर दूसरों के यहाँ से बिजली ले ली, वायर बिछा दी. कभी कभी जब झील में पानी आता था तब वो हम खेतों में छिड़कते थे, उसका डिपिंग करते थे. ऐसा कहते थे कि नाले के पानी से खेती उभर कर आती है. फिर हम वो पानी बचाने की कोशिश करते थे. पूरा महीना पौधे लगाकर वैसे ही पड़ा हुआ था, ड्रिप नहीं था, पैसे नहीं थे हमारे पास. बाद में हमने कर्जा लिया, फिर ड्रिप लगाया. मेरा लड़का 10वीं 12वीं पास हो गया, उसे इंजीनियर बनाना था. 1 साल किया पर पैसे नहीं थे. हमने उसे कहकर दूसरी शिक्षा लेने के लिए कहा. 2004 में हमने पहली बार अंगूर लगाए, तब हम उसे व्यापारी को बेचते थे. उसके बाद 2014 से हम सह्याद्री को देने लगे. जब हमारा पूरा परिवार साथ था तब हमारे पास 1.5 एकड़ ही जमीन थी. आज हमारे पास 20 एकड़ जमीन है. मेरा बेटा नौकरी करेगा, हम बड़ा घर बनाएंगे, ऐसा सब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. पर ये खेती की वजह से ही सच हुआ है.